बर्थडे हो, शादी हो, सालगिरह हो या फिर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, सबसे पहली डिमांड होती है केक की। केक कौन सा लाना है, कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा, रेड वेलवेट लाया जाए या फिर ब्लैक फॉरेस्ट मंगाएं या फिर चॉकलेट या फिर वनीला, तो सबको पसंद आएगा ही आएगा। लेकिन जनाब जरा ठहरिए, आप अगर केक खाने के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं और बिना केक के रह नहीं पाते तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद केक खाने से पहले थोड़ी देर तो जरूर सोचेंगे कि केक खाया जाए या नहीं। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले जरा केक के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। माना जाता है कि केक का जन्म प्राचीन रोम में हुआ था। रोम में शुरुआती दौर में साधारण रोटी बनाने के लिए गुथने वाले आटे में स्वाद बढ़ाने के उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जाते थे। जैसे कभी आटे में मक्खन मिला दिया, तो कभी अंडे को मिक्स कर दिया, कभी शहद को मिला दिया और कभी सभी चीजों को मिलाकर आटा गूंथ लिया। इस मिश्रण से बनने वाली रोटी मीठी और स्वादिष्ट होती थी। एक रोमन लैटिन कवि ओविड ने अपनी लिखी पहली किताब क्रिस्टिया में केक को अपने भाई के जन्मदिन पर काटने की बात का जिक्र किया है। ये मीठी रोटी अपना सफर तय करते हुए इंग्लैंड पहुंची तो वहां इसके आकार और बनावट को रोटी से अलग कर दिया गया और केक शुरुआत में गोल आकार में बनाकर इसके ऊपरी सतह को समतल आकार देकर एक साइड से मध्यम आग पर सेका गया, जबकि रोटी को दोनों तरफ से आग पर सेका जाता था। लेकिन मीठी रोटी से शुरू हुआ ये केक कितना जहरीला हो सकता है, इसकी बात आज हम आपसे करने वाले हैं। ये कमबख्त केक इतना जहरीला होता है कि इसमें मौजूद तत्व आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी ग्रसित कर सकते हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु की एक बेकरी से कई केक के सैंपल लिए, जिसमें पता चला कि 12 केक ऐसे थे जिनमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व हैं। केक को आकर्षक बनाने के लिए रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगें। विशेषज्ञों की माने तो कृत्रिम रंग स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। केक के सैंपल की जांच के दौरान पाया गया कि इनमें एल्यूरा रेड, सनसेट येलो, FCF 504R और कर्मोइसिन जैसे कृत्रिम रंग हैं। रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट केक को आकर्षक बनाने के लिए जो रंग और मटेरियल मिलाए जाते हैं उनमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पंजाब के पटियाला में केक खाने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि केक में बड़ी मात्रा में केमिकल मिलाए गए थे जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बर्थडे पार्टी में केक खाने से 7 लोग बीमार पड़ गए। एक महीने पहले की बात करें तो छतरपुर में केक खाने के बाद 6 स्टूडेंट बीमार पड़ गए थे, 2 को तो ICU में भर्ती करना पड़ा था। यानी केक नुकसान तो पहुंचा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इससे कैंसर होने का भी खतरा बढ़ सकता है। केक का मार्केट भारत में लगातार बढ़ रहा है जिससे ये गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल भारत में केक, पेस्ट्री और मीठी पाई का बाजार साल 2023 में 62.54 बिलियन का हो गया। अनुमान तो ये है कि 2023 से 2028 के बीच केक का मार्केट भारत में 10% से ज्यादा की ग्रोथ करेगा। रही बात केक में मिलाए जाने वाले आर्टिफिशियल रंगों से नुकसान की, तो रोडामाइन बी जैसे फूड कलर्स को लेकर हुए अध्ययन में इसे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से हानिकारक प्रभावों वाला पाया गया है। केक के सैंपल टेस्टिंग में भी कुछ केक में इसकी मात्रा पाई गई है। शोधकर्ता बताते हैं कि रोडामाइन बी का इस्तेमाल कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल फूड कलर के रूप में भी अब होने लगा है। रोडामाइन बी जिस खाने में होता है उसके सेवन से फूड पॉइजनिंग और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। रिसर्च में तो कैंसर भी पाया गया है। इसी तरह केक में पाए गए 504R को ब्रिटेन की खाद्य मानक एजेंसी के द्वारा किए गए एक अध्ययन में बच्चों में अति सक्रियता बढ़ाने और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बनने वाला पाया गया है। कुल मिलाकर केक देखने में जितना सुंदर लगता है वो उतना ही आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। उसमें भी रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट अगर आपकी पसंद है तो केक खाने से पहले एक बार जरूर सोचिए। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।
www.investigative.com।